अगर आप गूगल को ट्रेनर मानते हो तो फिर गूगल से रिसर्च करो, अगर आप गूगल को नहीं ट्रेनर मानते तो अपने ट्रेनर को ही गूगल मान लो। जो एक हेल्दी वेट लॉस रेंज है वो है 2 से 3 किलो और 6 से 4 पाउंड। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू क्यूजी फिटनेस। अच्छे व्यूअर्स, आज हमारे साथ एक ब्रदर मौजूद हैं, ये फिटनेस मॉडल भी हैं और साथ साथ ट्रेनर भी हैं। सबसे पहले ब्रदर, आपका नाम क्या है और आप काम शाम क्या करते हो? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है कामरान खान और मैं प्रोफेशनली फ़िटनेस इंस्ट्रक्टर हूँ और साथ में प्रोफेशनल लेवल पर मैं मॉडलिंग भी कर रहा हूँ। मॉडलिंग की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, एक फ़िटनेस ट्रेनर कैसे मॉडल बन गया? बेसिकली ये जो जर्नी है ये स्टार्ट तो फ़िटनेस से हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर मैंने सोचा कि यार अगर हम अपने आप को इतना फिट रखते हैं तो फिर हमें क्यों ना अपने आप को थोड़ा सा लोगों के लिए रोल मॉडल भी बनना चाहिए। मॉडलिंग के साथ साथ फ़िटनेस और फ़िटनेस के साथ मॉडलिंग भी, मेरे ख्याल में ये जो दो फील्ड हैं ये रिलेटेड हैं एक दूसरे से। अगर आप फिट हैं तो आप हिट हैं। ब्रदर, एक मॉडल की डाइट प्लान क्या होती है, मतलब अगर कोई ट्रेनर मॉडल बनना चाहता है तो उसको क्या डाइट प्लान फॉलो करनी चाहिए? देखें, डाइट और एक्सरसाइज ये भी एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर आप सिर्फ डाइट पे फोकस करेंगे और एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो भी आप एक चीज़ को स्किप कर रहे हैं, जिसके बगैर आप बैलेंस बॉडी नहीं बना सकते। मॉडल्स का यूजली ये सीन होता है कि आपने अपनी जॉ लाइन क्लियर रखनी है, आपने आपका जो फैट लेवल है वो नीचे रहना चाहिए, तो ऑफकोर्स उसके लिए आपको फिज़िकल एक्टिविटी और डाइट वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हमारे पाकिस्तान में हम लोग ज़्यादा डाइट पे फोकस नहीं करते हैं, या तो जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हम सिर्फ एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। तो प्रोफेशनली आपने ये देखना है कि अगर आपको इस चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप किसी प्रोफेशनल के साथ रابطہ करें जो कि आपको प्रॉपरली गाइड करे इस बारे में। और डाइट हम लोग ज़्यादातर डाइट पे फोकस इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारा जो एक कल्चर है देसी फूड, जैसे आप कढ़ाई, निहारी, नान और ये चीज़ें, ये बहुत कॉमन है। तो आप खाएं, इसको आप अवॉइड ना करें, लेकिन आपने साथ में कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी भी करनी है, क्योंकि अगर आपने खाना है तो आपने उसको बर्न करना। मेरा मानना ये है कि जैसे खाना आपके लिए ज़रूरी है वैसे फ़िज़िकल एक्टिविटी भी बहुत ज़रूरी है। आप अगर आप फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं कर रहे तो फिर आपको कॉन्शियस होना चाहिए, यार मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा। मोस्टली हमारे मॉडल्स और फैशन फील्ड में बहुत ऐसे केसेस देखने में आते हैं कि वो जब वो डाइट पे आते हैं तो वो बिल्कुल लो कार्ब और इन चीज़ों पे आ जाते हैं, जिससे क्या होता है, आप अपने आप को हेल्दी करने की बजाय आप अपने आप को वीक करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए। जब तक आप प्रॉपर डाइट नहीं खाएंगे तो तब तक आपकी बॉडी प्रॉपरली परफॉर्म नहीं करेगी। आपने ऐसा देखा होगा कुछ ऐसे लोग हैं जो बड़े फिट होते हैं लेकिन उनके फेस पे ना एक अजीब सी आपको वो चीज़ नज़र आ रही होती है, जैसे रूखापन, रौनक जिसे आप पंजाबी में कहते हैं। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जब आपने डाइट करनी है तो आपने देखना है कि आपने कौन से न्यूट्रिएंट्स को ऐड करना है और आपको किन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। अभी एक ट्रेंड आया था पिछले कीटो डाइट का, वो नेट पे चला, हर किसी ने कीटो डाइट फॉलो करना शुरू कर दी, ज़ीरो कार्ब्स और इस तरह की चीज़ें। उसमें आपका वेट तो गिर जाता है लेकिन उसमें यह होता है कि आपका वेट उतनी ही जल्दी रीगेन भी हो जाता है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने देखना है साइंस इस बारे में क्या कहती है। जो एक हेल्दी वेट लॉस रेंज है वो है 2 से 3 किलो और 6 से 4 पाउंड, ये एक हेल्दी वेट लॉस रेंज है। अगर आप एक महीने में 2 से 3 किलो गिरा रहे हैं तो इट्स मीन यू आर परफेक्ट और आपकी डाइट और आपका जो फिटनेस जर्नी है वो सही जा रही है। अब समटाइम ऐसा होता है कि कुछ लोग जो है वो आपसे मिले, किसी दूसरे से मिलते हैं, वो कहता है यार मैंने तो एक महीने में 10 किलो गिरा लिया, तो वो ये खुश होने वाली बात नहीं है। ये 10 किलो अगर गिरा है तो ये उतनी जल्दी वापस भी आ जाएगा। हमने ये देखना है कि आपने जो 10 किलो गिराया है वो फैट गिराया है, मसल गिराया है या सिर्फ वेट गिराया है, ठीक है? तो आपने इन चीज़ों पे भी फोकस करना है। आपने सिर्फ वेट स्केल को फोकस नहीं करना, आपने अपनी हेल्थ को फोकस करना है, अपनी बॉडी को फोकस करना है, आपकी मसल मास परसेंटेज क्या है बॉडी में, आपका फैट लेवल क्या है, आपका BMI, आप अंडर वेट हैं, ओवर वेट हैं, आपका DCR क्या है, आपकी जो टारगेट कैलोरीज हैं वो क्या है, आप उतने न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, आपके मिनरल्स, ये सारी चीज़ें ये बहुत ज़रूरी हैं। जब तक आप इसको स्टडी नहीं करेंगे, आप इसको समझेंगे नहीं, आपके पास हज़ारों YouTube, Google पे इंफॉर्मेशन मिली है लेकिन आपने अपने हिसाब से देखना है कि आपने किस चीज़ को फॉलो करना और आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। एक और बात बताऊं, एक मैं वीडियो देख रहा था इंडियन फिटनेस इंडस्ट्री की, उसमें एक बंदे ने यही बात की थी कि यार अगर आप गूगल को ट्रेनर मानते हो तो फिर गूगल से रिसर्च करो, अगर आप गूगल को नहीं ट्रेनर मानते तो अपने ट्रेनर को ही गूगल मान लो, क्योंकि ट्रेनर ने सारी स्टडी करके, गूगल से भी और आर्टिकल स्टडी करके वही चीज़ आपको गाइड कर रहा होता है। तो ब्रदर, जाते जाते आप व्यूअर्स को
एट द एंड शॉर्ट एक मैसेज क्या देंगे? जहाँ तक गूगल की बात है, वो तो मैं आपको कहूँगा कि गूगल देखें, समटाइम ऐसा होता है आप गूगल पे लिखते हैं कुछ है और आ कुछ जाता है, तो गूगल की सर्च के लिए आपके पास इतना नॉलेज होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मैं किस चीज़ को सर्च कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको अपना गोल पता होना चाहिए, उसके बाद जब आपको अपना गोल पता होगा तो फिर मे बी आपको आपकी आपकी जो सर्च है वो भी टारगेट एरियाज़ में होगी। मैसेज यही है सबके लिए, हेल्थ इज़ वेल्थ, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है इसको आप ना ख़रीद सकते हैं ना इसको आप बाय कर सकते हैं कहीं से, तो अपने ऊपर फोकस करें। खाना खाने के साथ फ़िज़िकल एक्टिविटी उतनी ज़रूरी है जितना आपके लिए खाना ज़रूरी है, तो फिट रहें, फिट रहेंगे तो हिट रहेंगे। और जहाँ तक मॉडलिंग और ये दूसरी चीज़ों की बात है, हम लोग काफ़ी लोगों को फोकस करते हैं कि यार ये तो मॉडल है चलो ये फ़िट रह रहा है, या मैंने मॉडलिंग करनी है मैं फ़िट होऊंगा तो मैं मॉडलिंग करूंगा, अदरवाइज़ मैं अपने ऊपर केयर नहीं करूंगा। हम सब अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं रोल मॉडल हैं किसी के लिए, अपने बहन के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, तो सबसे पहले आपने ख़ुद के लिए सोचना है। अगर आप अपने लिए मॉडल हैं तो आप सबके लिए मॉडल। इंटरव्यू से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, अपना ख्याल रखिएगा, स्टे फिट स्टे हेल्दी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।